Hello, my dear students. This is Dr. Hina Dravid, and I welcome everybody to Textbook Super Coaching YouTube channel. I hope you people are doing great and you all are fine. So quickly, everybody join in for the class and साथ साथ session को like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो आज की ये जो video है ये बेहद खास है because यहाँ से हर साल आपको question confirm आता है. It's 100% sure कि आपको इस video में से question आएगा ही आएगा. And it is on books and authors. So, आज मैं आपको Indian and Western सारे philosopher की सारी books and authors cover कराने वाली हूँ. So, अगर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने महात्मा गांधी जी की. महात्मा गांधी जी एक Indian philosopher है और इनके keywords क्या हैं? कि ये truth को ही भगवान मानते हैं. Truth, honesty, सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है. साथ में सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स सत्य को ग्रहण करके रखना, पकड़ के रखना. कुछ भी हो जाए, आपकी नाव कितनी भी डगमगाए, यू शुड नेवर स्टॉप बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन. एंड साथ ही उन्होंने स्वदेशी होने की बात की थी कि देश में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहा है उनको लीजिए, क्योंकि देश आजाद हुआ है. बजाय कि हम वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से किसी भी चीज को लें, हमें इंडिया में ही उन्होंने स्टार्ट करा क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन. इसका बेनिफिट क्या हुआ? एक तो आप अपने देश की इकोनॉमी को में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और उससे आपकी स्किल्स भी डेवलप हो रही है. प्लस इन क्राफ्ट बेस से जो पैसा आता है वो टीचर्स की सैलरी के लिए भी लगता है. साथ ही में उन्होंने सिंपल सी बात करी, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन वर्धा स्कीम, जिसको आप नई तालीम के नाम से भी आप लोग जानते हैं. एंड ही वॉज एन आइडियलिस्टिक पर्सन बाई हार्ट. वो बिलीव करते थे स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गॉड के अंदर. वहीं उन्होंने लर्निंग बाई डूइंग करा क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन में, जिस वजह से उनको प्रगमेटिस्ट भी कहा जाता है. वाई? बिकॉज ही प्रेफर्ड लर्निंग बाई डूइंग एंड चाइल्ड इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. चलिए अब महात्मा गांधी जी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होती है ये किताब, सबसे ज्यादा. आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी. तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी फेमस किताब है. साथ ही इन्होंने लिखी है हिंद स्वराज, देन नॉन वायलेंट रेजिडेंट, द वे टू गॉड. अभी मैंने बताया ही वाज एन आइडियलिस्टिक पर्सन, सो भगवान में उनकी बहुत आस्था थी. ट्रूथ इज गॉड. साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गॉड इज लाइफ, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रूथ, ऑल मेन आर ब्रदर, बुक ऑफ प्रेयर्स. और खाली प्रेयर यानी प्रेयर मतलब आपकी प्रार्थना. देन अ सेंस ऑफ हिंदुइज्म, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ एंड लॉ एंड लवर्स. तो ये जो जितनी भी फेमस बुक्स हैं, इनमें से ये बुक और ये बुक सबसे ज्यादा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आती है, जो कि आपके गांधी जी से रिलेटेड है. तो जैसे कि कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं कि मैम क्लास के टाइमिंग्स क्या है, तो मंडे टू फ्राइडे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं. आपको फ्री ऐप सेशन मिलता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फोर डेज अ वीक ऑन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ऐप. उसके लिए बहुत जरूरी है आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लीजिए. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे बायलिंगुअल चैनल पर 12 बजे क्लास होती है और ट्यूसडे, थर्सडे को आपकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है. टाइम फिक्स है 12 बजे और 2 बजे. तो ऐप को डाउनलोड बुक करना भूलिएगा मत, ठीक है. चलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि एक आइडियलिस्टिक से ज्यादा एक नेचुरलिस्टिक थे. रविंद्रनाथ टैगोर नेचर प्रकृति में बहुत ज्यादा यकीन करते थे एंड वो प्रकृति को ही गॉड का दर्जा भी देते थे. इनका एक फेमस कीवर्ड है क्रिएटिविटी, कि लेट द चाइल्ड लिव एज पर द लॉज ऑफ नेचर. नेचर अपने आप बच्चे को बड़ा करेगी एंड दिस विल हेल्प इन इम्बाइबिंग द क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिव इनवाइट, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स इन द चाइल्ड. तो क्रिएटिविटी अगर आप वर्ड देखें तो समझ जाइएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा. साथ में उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के कॉम्बिनेशन की बात करी कि आप इंडिया में रह के वेस्टर्न्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने उनसे मैच करना है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड तीसरा कीवर्ड है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सलिज्म की भी बात करी टैगोर जी. गीतांजलि इनकी सबसे फेमस किताब है, ये आप लोगों को मालूम भी है. और शांति निकेतन, विश्व भारती उनकी फेमस यूनिवर्सिटी भी है. द पोस्ट मास्टर, गौरा, साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ. अगेन ये बुक का नाम यूजीसी के पेपर में आ चुका है. देन काबुली वाला, इस पर तो अभी रिसेंटली एक मूवी भी लॉन्च हुई थी आपकी बंगाली लैंग्वेज में. द ब्रोकननेस्ट, फ्रेंड, पेपर बोट, होम एंड द वर्ल्ड. गीतांजलि पेपर में आता है, पोस्ट मास्टर आता है, साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ आपका आ चुका है कहां पर, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन. नेक्स्ट
आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ये बुक्स का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। एडुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम का नाम है, आप डायरेक्टली जाके ये सर्च भी कर सकते हैं, और नहीं तो इजी वे है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और स्कैन करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको डेली पीडीएफ, डिस्कशंस, डाउट क्लियरिंग, इंटरेक्शन, क्विज, पोल्स, सब कुछ मिलता है। तो स्कैन करके जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट, औरबिंदो जी, ही वॉज हाईली स्पिरिचुअल इन नेचर, और वो स्पिरिचुअलिटी आपके कैरेक्टर के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस करते थे। औरबिंदो जी योगा एंड मेडिटेशन के हार्डकोर फॉलोअर्स थे। उनका ये मानना था कि मेडिटेशन और योगा के बिना आप सत प्लस चित प्लस आनंद की स्टेट को अचीव नहीं कर सकते, दैट इज द ब्लिसफुल स्टेज। सत्यनानंद मतलब सत मींस प्योरिटी, चित मींस योर कॉन्शियसनेस, एंड आनंद मींस ब्लिसफुल स्टेज। तो सत चित आनंद ब्लिसफुल स्टेज योगा के बिना आप नहीं कर सकते। एंड वाइटल एडुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, जिसके जरिए आप सुपरमैन और सुपर माइंड अचीव कर सकते हो। दैट मींस एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्लिसफुल स्टेज का आनंद पा लिया, उसके बाद वो नहीं रुकने। दुनिया में कोई भी मटीरियलिस्टिक खुशी आपकी उस ब्लिसफुल स्टेज की खुशी को मैच नहीं कर सकती। तो एक बार आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया ना, कहते हैं ना, उसके बाद आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो औरबिंदो जी वही मार्ग बताते हैं थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। तो उनकी जो फेमस बुक है सावित्री, जो आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, देन इट इज सिंथेसिस ऑफ योगा, जेम्स, द लाइफ डिवाइन, ये अगेन यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में आई थी, द पावर्स विद इन, कर्म योगिन, द ह्यूमन साइकिल, द मदर, लेटर्स ऑन हिमसेल्फ एंड द आश्रम। अब कर्म योगिन किताब आपके यूजीसी पेपर में आई थी, जहां बच्चे इसको लेके स्वामी विवेकानंद जी से कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्वामी विवेकानंद जी की भी किताब है, बट यहाँ कर्म योगिन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कौन सी है, सावित्री, सिंथेसिस ऑफ योगा, कर्मयोगिन, द पावर विद इन एंड द लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन और सावित्री तो मैच द फॉलोइंग में दो तीन बार आ चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गए स्वामी विवेकानंद जी, जो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके इस माइंड में है, बस फर्क क्या है, हम अनअवेयर है, हमें ये मालूम ही नहीं। हमारे अंदर वो शक्ति है कि जेआरएफ क्या इस तरह के 10 एग्जाम्स एक साथ हम क्लियर कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, यानी आप मान के तो चलिए, भरोसा करके देखिए, देखना आज आपने मैनिफेस्ट किया है कि दिसंबर में जेआरएफ मेरा होगा, देखिएगा हो भी जाएगा। So, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट, एंड इन्होंने आफ्टर ऑल साबित किया है कि ईस्ट और वेस्ट अगर हम मिल जाएं तो हमारी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद जी वेदांता की फिलॉसफी गीता के हार्ड कोर फॉलोअर्स थे, बिल्कुल उनको ब्लाइंडली फॉलो करते थे, डेली ही यूज टू रीड। एंड स्वामी विवेकानंद जी के जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामाकृष्ण परमहंस मिशन जो है, उनके गुरु जी रामाकृष्ण जी के नाम से है, और ये सारे कीवर्ड्स आपको एग्जाम में याद रखने हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योगा दिया है, कर्म योगिन आपके औरबिंदो जी ने लिखी, ज्ञान योगा, कर्म योगा, राज योगा, ये तीनों किताबें यूजीसी के पेपर में आ चुकी हैं। अगर वो कहते हैं कर्म योगिन औरबिंदो जी, अगर वो कहते हैं कर्म योगा स्वामी विवेकानंद जी, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, बट जो किताब एग्जाम में आई है वो है ज्ञान योगा, कर्म योगा और राज योगा। आई होप अब आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे और आप इसको अच्छे से एग्जाम में याद भी रखेंगे माई डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं हमारे द यंगेस्ट ऑफ ऑल, आपको एक बार क्रोनोलॉजी आई थी ना, तो आपके सबसे यंगेस्ट कौन है, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को रिलेट किया है, आपकी मॉडर्न एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है, और साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज की भी बात किया है। तो औरबिंदो जी सॉरी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की खास बात क्या है, सच्चाई में उनको बहुत यकीन था, फ्रीडम, उन्होंने कहा बच्चे को पूरी आजादी दीजिए अपने लिए फैसला लेने की, लिसनिंग,
लिसनिंग एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी फिलोसोफर ने हाईलाइट नहीं करा, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने, कि अगर हम सुनेंगे ज्यादा बोलेंगे कम तो वो हाईएस्ट काइंड ऑफ अ वैल्यू। वन शुड लिसन टू द फीलिंग्स बीइंग्स एक्सप्रेस्ड। सेल्फ के बारे में सपने बात करी, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करी, इंडियन थिंकर सबने बात करी है, मेडिटेशन की अगेन उन्होंने बात करी, एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिलेटेडनेस। अपनी लाइफ के साथ एक जुड़ाव को महसूस करो, तभी आप उस जुड़ाव के लिए उस लाइफ को प्योर और अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। सो यू शुड ट्राई टू लर्न एंड ग्रो इन अ माइंडफुल वे बाय रिलेटिंग योरसेल्फ, योर वैल्यूज विद योर लाइफ। एंड उनकी फेमस किताबें हैं फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, जो यूजीसी नेट में आ चुकी है, अवेकनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। अब होता क्या है, इस किताब को सुन के बच्चे स्वामी विवेकानंद मान करते हैं, विच इज अ रॉन्ग आंसर। अगर आपसे कोई पूछता है ना, सबसे पहले मुझे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, इट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट। ये उनकी सबसे फेमस किताब है, द बुक ऑफ लाइफ, स्कूल विदाउट फियर, बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग, फ्लेम ऑफ लर्निंग, लाइफ अहेड, एडुकेटिंग द एडुकेटर्स। ये सारी जो किताबें हैं ये जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की एडुकेशनल फिलोसफी से रिलेटेड है, जहां से हम आपका कंटेंट रेडी करते हैं। So, freedom from the unknown, first and the last lesson, awakening of intelligence, educating the educator, the book of life, a flame of learning, school without burden, to thai, school without fear, beginnings of learning and life. So, I hope ye session aapko achha lag raha hoga. Can I have a big clapping from all of you? Can I have your beautiful emoticons? Everybody, can I have your emoticons? And in the meanwhile, आप कभी भी अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर इस समय आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस भी मिल रहे हैं, तो आप भूलिएगा मत हिना डी कूपन कोड को यूज करना, जिससे कि आपको डायरेक्टली 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, एक बार आपकी साइड से थम्स अप ब्यूटीफुल इमोटिकॉन शेयर हो जाए, सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड। चलिए नेक्स्ट इज पॉल ऑफ राय। तो यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने वेस्टर्न थिंकर। तो अभी इंडियन कवर करें, अब हम वेस्टर्न थिंकर्स कवर करेंगे। पॉलो फ्रायर, द कीवर्ड इज क्रिटिकल पेडागॉजी। पॉलो फ्रायर कहते हैं गलत को स्वीकार मत, और गलत के बारे में बच्चे को डायरेक्टली मत बताओ। गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द इनडिस्क्रिमिनेशंस, द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। लेट द चाइल्ड क्वेश्चन दोज इनइक्वालिटीज। उसकी क्रिटिकल कॉन्साइटाइजेशन, जहां पे उनकी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को अवेयर कीजिए, जहां बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या। बात की है उन्होंने प्रैक्सिस की, बातें कम एप्लीकेशन ज्यादा। सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्शन में लाना बहुत जरूरी। उन्होंने बात करी है लर्निंग सर्कल्स और कल्चरल सर्कल्स की। सो ही सेड अगर जो ऑप्रेस्ड क्लास है अगर वो अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी तो ऑप्रेसर्स उन्हें और दबाएंगे। तो जब तक आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो दुनिया तो आपको एक्सप्लॉइट करती रहेगी। सो यू विल गेट एक्सप्लॉइटेड टिल द टाइम यू आर रेडी टू गेट एक्सप्लॉइटेड। तो यही बात पॉलो फ्रायर ने हाईलाइट की थी। तो पेडागॉजी ऑफ द हार्ट, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस, आई मीन ये मेरे को लगता है 10 times आ चुका है यूजीसी के पेपर। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस द मोस्ट फेमस बुक। Critical consciousness, smoke and the mirrors, teacher as cultural workers and the pedagogy of praxis. तो मैंने आपको सारे कीवर्ड बताए, praxis, dialectical education, जहां पर बच्चा सवाल जवाब करता है, dialogue, question, answers, pedagogy of the oppressed, pedagogy of the heart and the critical consciousness. तो ये सारे ही कीवर्ड्स हैं, मैं आपको पहले बता दिए थे। तो अगर आपको कीवर्ड्स याद है आपको आंसर मार्क करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, provided you know the key. तभी मैं पहले आपको कीवर्ड बता रही हूँ और फिर मैं आपको बुक्स के नाम बता रही हूँ, द रीजन बीइंग यू कैन रिलेट इट। नेक्स्ट इज जॉन डुई। भैया जॉन डुई मींस लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। जॉन डुई लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। जॉन डुई प्रोग्रेसिव इन नेचर। जॉन डुई प्रैग्मैटिज्म स्कूल। प्रैग्मैटिज्म स्कूल क्या कहता है, यूटिलिटी एंड सोशल डिसिप्लिन। तो सोशल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन बिलीव करते हैं, जॉन डुई, जो कि कहते हैं स्कूल इज अ मिनी एचर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो समाज के साथ शिक्षा को रिलेट करने में काफी हद तक सहयोग किया है जॉन डुई। तो
एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन यूजीसी के पेपर में आए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 5 से 7 बार रिपीट हो चुका है यूजीसी के पेपर। स्कूल एंड द सोसाइटी, जहां पर उन्होंने कोट भी दी, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। एक्सपीरियंस एंड नेचर, आर्ट एंड एक्सपीरियंस, जो बात करता है उनका लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। रिकंस्ट्रक्शन इन द फिलोसफी, जो उनकी प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म फिलोसफी को रिप्रेजेंट कर। सोशल एक्शन, मॉरल प्रिंसिपल, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, ये तीनों किताबें आज तक यूजीसी के पेपर में नहीं पूछी गई। जो पूछी गई है वो ये वाली है। बट जब भी सोशल, डेमोक्रेसी, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारे टर्म्स यूज होंगे, आपने आंखें बंद करनी है और ऑप्शन में जॉन डुई को ढूंढना है। अगर जॉन डुई है उनको मार्क करना है, और प्रॉब्लम तब आएगी जब उसमें जॉन डुई नहीं लिखा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हमारे रूसो, हार्ड कोर नेचुरलिस्ट। इन्होंने कहा आई एम अगेंस्ट पॉजिटिव एडुकेशन। पॉजिटिव एडुकेशन क्या होता है? फिक्स्ड करिकुलम। भाई ही इज अगेंस्ट इट। और इन्होंने क्या दिया? नेगेटिव एडुकेशन, जहां बच्चा इज द फ्री बर्ड, वो डिसाइड करेगा, एंड नेचर इज द बेस्ट। So, इन्होंने एक बहुत फेमस कोट है, बैक टू नेचर, वो इन्हीं के द्वारा दी गई। क्लियर टू एवरीवन? तो जीन जैक रूसो क्या कहते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये यूजीसी के पेपर में रिपीटेड है। इमाइल, इमाइल इन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक है, लेकिन फादर ऑफ नेचुरलिज्म इमाइल ज़ोला है, लेकिन इमाइल किताब रूसो ने लिखी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इमाइल, ये दोनों ही फेमस बुक्स हैं, और ये दोनों ही एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं बाय जीन जैक रूसो। ये तो सेम टू सेम हो। नेक्स्ट, बर्टेंड रसल। बर्टेंड रसल का नाम सोशियोलॉजी में सुनने को आता है, एंड बर्टेंड रसल का नाम आपके फिलोसोफर्स में भी आता। अब बर्टेंड रसल आपके डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसोफर। बर्टेंड रसल का नाम आपको एकदम पेपर में नहीं भी आता, उन्होंने काफी ज्यादा मैथ्स पर, आपके पब्लिक इंटेलेक्चुअल पर काम किया गया है। उन्होंने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है पीस और पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ल्ड के, पीस, पॉलिटिकल एंड सोशल। इनका नाम आपके थिंकर्स में नहीं है, बट इनकी कुछ किताबें हैं जो आपको पेपर में मैच द फॉलोइंग में हेल्प करती, इसलिए आई एम टेलिंग यू बिकॉज इनका नाम ऑलरेडी यूजीसी के पेपर में आ चुका है, मैच द फॉलोइंग। इनकी फेमस किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया उन्होंने नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक के ऊपर बहुत काम किया। आपको पता है फिलोसफी की तीन ब्रांचेस है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक, इन दोनों ब्रांचेस पे इनका बहुत काम, और वो इस किताब में है, इसलिए फेमस है। रिलीजन एंड द साइंस, क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, विजडम ऑफ द वेस्ट, गॉड एंड रिलीजन। अब ये आता है ना तो हम कंफ्यूज कर देते हैं इसको इंडियन फिलोसफर्स के साथ, लेकिन गॉड पर बात इंडियन के अलावा वेस्टर्न में भी हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, इवान इलिच। आई मीन द फेमस वन, मतलब मेरे टाइम पे यूजीसी के पेपर में भी इवान इलिच थे, जिनका फेमस काम है डी स्कूलिंग सोसाइटी। अरे बच्चे, भैया बच्चों को कैसे पढ़ना है, स्कूल में या आउटसाइड स्कूल, इट्स देयर चॉइस। तो ये एटलीस्ट 5 to 7 times रिपीट हो चुका है यूजीसी के पेपर में, दैट इज इवान इलिच, डी स्कूलिंग सोसाइटी। इसके अलावा उनकी एक और फेमस बुक है जेंडर एंड एनर्जी एंड इक्विटी। तो आप प्लीज ये याद रखिएगा, बिकॉज ही इज द फेमस पर्सन जिनका नाम बार बार। एंड नाउ कमिंग टू अवर फेमिनिस्ट, विमेन एम्पावरमेंट, द वन हु स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ विमेन इन द वेस्ट। तो इंडिया में जहां सावित्री बाई फुले थे, वहीं मैरी वुल्स्टोनक्राफ्ट ने खूब आवाज उठाई है औरतों के अधिकारों के लिए। शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मैरिज एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द विमेन इन द वेस्ट। ठीक है, तो उनका फेमस किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन एंड द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मेन। ये दोनों किताबें उन्हीं के द्वारा लिखी गई। एंड एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ये नाम और ये नाम 3 से 4 times रिपीट हो चुका है एग्जाम में, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। सो नाउ लेट मी टेल यू, द कोर्स हैज बीन लॉन्च्ड फॉर June 2025। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अब नवंबर चल रहा है, एंड अभी आपका नोटिफिकेशन भी आउट नहीं हुआ, एंड हमारा पेड कोर्स कंप्लीट हो चुका है दिसंबर 2024 के।
और यहाँ पर बूस्टर के अंदर बच्चे कर रहे हैं धड़ाधड़ रिवीजन। सोचिए, अगर आपने हमें जून 2025 के लिए ज्वाइन किया, अप्रैल में तो हम आपका कोर्स ही कंप्लीट करा दें। हाफ ऑफ द अप्रैल और मई हम आपके बूस्टर और मैराथन से आपका करेंगे सॉलिड रिवीजन, करवा देंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका जेआरएफ पक्का, क्योंकि बच्चे तो पढ़ना ही नोटिफिकेशन के बाद अप्रैल में शुरू करेंगे, और तब तक आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। और आपको पढ़ना कितना होगा? वन टॉपिक अ डे। अरे अगर आपको एक टॉपिक से ज्यादा पढ़ने को मैं कह दूं ना, तो आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिएगा। वन टॉपिक अ डे, और सिर्फ दिन में पढ़ना होगा एक घंटा। वन टॉपिक अ डे, एक घंटा मेरे साथ बस, और आपका जून में जा। अब आप फैसला कर लीजिए, लास्ट के 2 महीने पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, और फिर भी कोई श्योरिटी नहीं जी याद निकलेगा, या रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ना। और इस समय प्राइजेस है सबसे ज्यादा कम। आपको कुछ नहीं करना, आप टेलीग्राम पर @DrHina पर मुझे मैसेज कर, हम टीम से कह के आपको लोएस्ट प्राइस पे कोर्स मिलेगा। एंड दूसरी बड़ी चीज है, आप डायरेक्टली ऐप पर जाओ, हिना डी कूपन कोड यूज कर लीजिए, आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब ये यूजीसी के पेपर का ही क्वेश्चन है कि पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड किसने लिखा है? आपको पता है, पॉलो फ्रेयर। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लो मार्क कर। डी स्कूलिंग अभी बताया, इवान इलिच का फेमस। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डी फॉर डेमोक्रेसी, डी फॉर जॉन डू। और मैंने इसीलिए आपको बताया कि बर्ट्रेंड रसेल एक फेमस नेम है, क्योंकि इनका नाम पेपर में बार बार आ रहा है, उनका है स्कूल एंड द सोशल। अब बताओ, फ्री के हो गए ना ये 2 मार्क्स, किसी बच्चे के नहीं रहेंगे। जहां बच्चों के हाथ खराब हो इस वीडियो के बाद, आपके मार्क्स पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी बताया, रूसो ने लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एमाइल, जबकि फादर है माइल जोला, ठीक है। और रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा। तो बस अब आपको प्लेटो का एक फेमस बुक याद रखना है, दैट इज रिपब्लिक। तो प्लीज ऐड कर लीजिए कि प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक, ये किताब का नाम, क्योंकि ये भी यूजीसी के पेपर में आता है, ठीक है। तीसरा यूजीसी का क्वेश्चन फिर से, डेमोक्रेसी मीन्स जॉन डूई। पॉलो फ्रायर, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। अब आता है आपका माइंड इन द सोसाइटी। अब माइंड की बात करिए वाइगोट्स की ने, और लैंग्वेज डेवलपमेंट पर पॉलो फ्रायर, सॉरी जीन पियाजे ने भी आपके काम किया। क्लियर टू एवरीवन? अब याद क्या रखना है, लैंग्वेज जीन पियाजे से एंड माइंड इन द सोसाइटी वाइगोट्स की से। प्लीज ये दोनों भी ऐड कर लीजिए, पियाजे एंड वाइगोट्स की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज ही मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए @DrHina पर, अगर आपने कोर्स में इनरोल होना है। नहीं तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ हिना डी कूपन कोड यूज कीजिए और 25% डिस्काउंट पाए। चलिए तो मैं अब आपको एक डेमो भी दे देती हूँ कि कैसे आपने करना है कोर्स में ज्वाइन। ये देखिए, यहाँ पर आप जब टेक्स्ट बुक की ऐप पर जाते हैं, आपको टेक्स्ट बुक की ऐप पर जाएंगे, तो ये आपके सुपर कोचिंग के अंदर जाकर, ये रहा आपका टीचिंग एग्जामिनेशन, और ये आपका यूजीसी नेट है। जब आप यूजीसी नेट के अंदर जाएंगे, ये देखिए, यहाँ पर जाके आप इनरोल कर सकते हैं जून के लिए। ये लाइव कोर्सेज दे रखा है, जून के लिए इनरोल कर लीजिए। अब बूस्टर के लिए जब आप जून पे जाएंगे, यही एडुकेशन के अंदर जाइए, ये रहा एडुकेशन में जाएंगे, और बाय नाउ करिए। बाय नाउ में आप फोन नंबर मांग रहे हैं, हिनाडी कूपन कोड यूज करेंगे, इजीली आप लोग हिनाडी कूपन कोड यूज करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब आज का होमवर्क सुन लीजिए, आपका होमवर्क है आपको सावित्री बाई फुले की फेमस बुक का नाम बताना है। तो सावित्री बाई फुले की बुक का नाम आप लोग मुझे बताएंगे, इसलिए वो इस वीडियो में एडिट नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर बीइंग सच गुड ऑडियंस, एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। होमवर्क आंसर लिखते ही मुझे पता लग जाता है कि इस बच्चे ने क्लास अटेंड की है, तो अपना होमवर्क आंसर देना मत भूलिएगा। फेमस बुक ऑफ सावित्री बाई, टेक केयर, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।